स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है? ए सी ट्रैक, बी सी इलेक्ट, सी सी रिपोर्ट, डी सी विजिल। आंसर डी सी विजिल। एक्सप्लेनेशन: चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग करता है। अगला प्रश्न: हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया? ए एलोन मस्क, बी मुकेश अंबानी, सी जेफ बेजोस, डी बर्नार्ड अर्नोल्ड। आंसर ए एलोन मस्क। एक्सप्लेनेशन: एलोन मस्क ने 231 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना खिताब फिर से हासिल कर लिया। उसके बाद जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं। वैश्विक स्तर पर एक स्थान फिसलकर 10वें स्थान पर आने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 115 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। अगला प्रश्न: कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया? ए टोक्यो, बी मुंबई, सी सियोल, डी शंघाई। आंसर बी मुंबई। एक्सप्लेनेशन: मुंबई पहली बार एशिया अरबपति की राजधानी बना है। हुरुन रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग में अरबपति की संख्या 91 है और मुंबई में अरबपति की संख्या 92 है। विश्व स्तर पर न्यूयॉर्क 119 बिलियनियर के साथ पहले और लंदन में 97 बिलियनियर अरबपति के साथ दूसरे तथा 92 अरबपति की संख्या के साथ भारत तीसरे पायदान पर आता है। अगला प्रश्न: मार्च 2024 में बाल्टीमो मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का क्या कारण था? ए तेज हवाएं, बी संरचनात्मक विफलता, सी मालवाहक जहाज की टक्कर, डी भूकंप। आंसर सी मालवाहक जहाज की टक्कर। एक्सप्लेनेशन: 26 मार्च 2024 को बाल्टीमो अमेरिका में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को एक मालवाहक जहाज ने टक्कर मार दी और ब्रिज पटिप्सको नदी में गिर गया, जिसके कारण मैरीलैंड के बाल्टीमो में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। अगला प्रश्न: दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ए विश्वास, बी सक्षम, सी शिखर, डी दृष्टि। आंसर बी सक्षम। एक्सप्लेनेशन: निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांगजन घर से मतदान कर सकते हैं।